प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों से मिलकर ऐलान किया कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी ने एक और बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा, उस जगह को शिव शक्ति के रूप में जाना जाएगा। शिव और शक्ति यानी पुरुष और स्त्री, शिव शक्ति में दोनों को ही स्थान मिलता है। लेकिन अब कई लोगों को शिव शक्ति नाम में सांप्रदायिकता दिख रही है, कई लोगों को ये नाम पसंद नहीं आ रहा। कई बड़े मुस्लिम नेता और मौलाना भड़क गए हैं कि शिव शक्ति नाम क्यों रखा गया। जिस तरह के बयान मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं की तरफ से आ रहे हैं वो आपको हैरान कर देंगे। कईयों ने तो धमकी दी है कि पीएम मोदी चांद के मालिक नहीं है तो उन्होंने किससे पूछकर शिव शक्ति नाम रखा। वैसे शिव शक्ति नाम से भड़के मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं को कुछ लोग सोशल मीडिया पर जवाब दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अब तो चांद को भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए और शिव शक्ति को राजधानी बना देना चाहिए। चलिए, ये तो हुई मजाक की बात, अब गंभीर मुद्दे पर आते हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि पीएम मोदी ने चांद पर लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति कैसे रख दिया, पीएम मोदी कोई चांद के मालिक नहीं है। राशिद अल्वी से जब पूछा गया कि 2008 में कांग्रेस के कार्यकाल में जब चंद्रयान 3 के प्रोब को चांद पर गिराया गया था, तब कांग्रेस ने उस जगह का नाम देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर क्यों रखा, चांद पर उस पॉइंट को जवाहर पॉइंट क्यों बोला गया, इसके जवाब में राशिद अल्वी ने कहा कि नेहरू के नाम की तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। अब ये कौन सा लॉजिक है, आप ही हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा है। शफीकुर रहमान बर्क बोल रहे हैं कि शिव शक्ति की जगह इसका नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखना चाहिए। हैरानी की बात देखिए कि अपनी जिंदगी में आज तक डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अब्दुल कलाम को याद नहीं किया होगा, लेकिन आज इन्हें पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम याद आ गए हैं। अब ये है मौलाना सैफ अब्बास नकवी, ये भी नाराज हैं कि चांद पर चंद्रयान के लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति क्यों बोला जा रहा है। इन्होंने भी अब एक नया सुझाव दिया है। मौलाना सैफ अब्बास नकवी बोल रहे हैं कि लैंडिंग पॉइंट को हिंदुस्तान बोला जाना चाहिए। आप ही देखिए कि इन सभी की देशभक्ति और देश प्रेम कैसा जाग गया है।